हाय बच्चों, और मैं ये वीडियो खास तौर पर PWD कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ, और वो भी उन PWD कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें अपने सेंटर्स पर जहाँ भी उन्होंने विज़िट किया, चाहे वो अपने स्टेट में किया चाहे किसी और स्टेट में जाकर किया, और उनको वहाँ रिजेक्शन फेस करना पड़ा। जो भी आपकी डिसेबिलिटी का टाइप रहा हो, जो भी वजह रही हो, जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, या आपको लगता है सब कुछ ठीक हुआ था, किस्मत ख़राब थी, वट एवर, जो भी रीज़न रहा हो, पर फाइनली रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा। दो तरह के रिजेक्शन फेस करने पड़े बच्चों को। पहला, या तो उनसे कहा गया कि आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम है, तो 40 से डाउन है, सो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता PWD का, बट आप मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे टाइप का रिजेक्शन ये था कि आपकी PWD कि जो डिसेबिलिटी जो है आपकी, वो इतनी ज़्यादा है, एनीथिंग अबव 50 है या 80 है या 90 या 100 है, तो उसकी वजह से ना तो आप मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो उनको अनएलिजिबल कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ PWD कोटा के चक्कर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया कि आप MBBS कर ही नहीं सकते, आप मेडिकल कोर्सेज कर ही नहीं सकते। ये सेकेंड टाइप का रिजेक्शन था। अब क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपने संजोए थे, उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ, आदमी अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि हो जाएगा तो फिर एक कॉलेज मिलेगा, देन लाइफ विल बी ओके, एंड ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा और लाइफ चेंज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपने सोची थी, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनली रिजेक्शन फेस करना पड़ा। अब क्या ऑप्शन बचता है? ठीक है, सबसे पहली बात तो सिलेक्टेड बच्चों को हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हमने भी, जिन बच्चों ने हमें बोला कि भैया हम यहाँ पास हुए हैं, सो हमने उनका पोस्ट किया। जो बच्चे रिजेक्शन हुए उनकी बात सुनने की कोशिश की, बट फाइनल रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। अब बच्चे डीमोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है? देखो बच्चों, अब अगर आपके नंबर कम हैं तो सीधी सी बात है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपका समय ही व्यर्थ होगा, आपकी एनर्जी लगेगी, पैसा वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब दो ऑप्शन हैं आपके पास। हाँ, एक तीसरी कैटेगरी भी है, उसके बारे में बात करना हम भूल गए, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं, जिन बच्चों के नंबर क्वालिफिकेशन से कम थे। ठीक है, मार्क्स क्वालिफिकेशन से कम थे, और पर उनका PWD वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया, बट उस वेरिफिकेशन का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये थर्ड कैटेगरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उन बच्चों को है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, या क्वालिफिकेशन के मार्क्स तो लिए हैं एटलीस्ट, बट वो PWD वेरिफिकेशन में क्रॉस नहीं कर पाए। सो वॉट नाउ? तो अब बच्चों, या तो आप अदर करियर ऑप्शंस की तरफ मूव करोगे, पहली चीज़। दूसरा, कि आप दोबारा से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, प्रिपरेशन तो एग्ज़ाम सब कोई दे सकता है, चाहे आपको उन्होंने इनएलिजिबल कर दिया हो कि आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ 2 महीने के लिए बना हुआ सर्टिफिकेट है, वो फिर डिसॉल्व हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कचरे के डब्बे में फेंका जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अगेन अगले साल पेपर दे सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, अगेन चेकअप करा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। क्या अगले साल चेकअप कराने से कुछ रिजल्ट में चेंज होगा? ये सवाल। क्या इतनी मेहनत करके, इतनी आशा उम्मीद लगाकर, सेंटर्स पर भागकर, अपने घर से दूर जाकर, पैसा खराब करके, समय खराब करना, ये सब इमोशनली इतना परेशान होना, फिजिकली परेशान तो है ही पहले से, तो क्या उसकी कोई वर्थ है? तो बच्चों, इस साल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, सो मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लास्ट ईयर रिजेक्ट हुए थे फ्रॉम वेरियस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, दिल्ली से, BHU से, एंड महाराष्ट्र से, बट दे गॉट सेलेक्टेड दिस टाइम, वो इस बार उनका सिलेक्शन हो गया है और वो सक्सेसफुली एलिजिबल हो गए हैं फॉर द मेडिकल काउंसलिंग, एंड दे आर
अपियरिंग इन द काउंसलिंग एंड दे विल डेफिनेटली गेट एम बी बी एस सीट और बी डी एस सीट और वट एवर मेडिकल कोर्स दे वॉन्ट टू डू, वो उनको मिल जाएगा. लेकिन अगर लास्ट ईयर वो भी टूटे होंगे, उनके भी सपने टूटे होंगे, उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिरा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2-4% से डाउन हुए हैं. किसी को 20% देकर फेल किया था, किसी को 10% देकर फेल किया, जैसे आपके साथ हुआ है. आज उनकी परसेंटेज 60 पहुंचाई है, किसी की 50 पहुंच गई है, किसी की 40 पहुंच गई है, दे आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग नाउ. सो अगर आपको लगता है कि आपने गलत सेंटर चूज़ कर लिया था या एक गलत टाइम चूज़ कर लिया था, जैसे कि पंजाब के बच्चों का या हिमाचल के बच्चों का दिल्ली आना, जबकि वो चंडीगढ़ जा सकते थे, वो पास भी था और वहाँ का रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन इज टू गुड दिस टाइम, और अगले साल भी ऐसे ही रहेगा. मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज आने वाला है वहाँ पर. अब दिल्ली के अंदर शुरुआत में अच्छे सिलेक्शंस हुए, लग रहा था सब एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, बट लास्ट हफ्ते में बचे हुए 3-4 दिनों के अंदर जो रिजेक्शन उन्होंने किया है ना, रूथलेस रिजेक्शन, उल्टे सीधे रीजंस कि लो विज़न के सारे सारे बच्चों को फेल करना, अपर लिम के किसी बच्चे को एंटरटेन ही ना करना, सिर्फ ये बोल देना कि आप तो लो विज़न को तो हम किसी भी तरीके से रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते, ये तो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है. दे डोंट इवन नो द पॉलिसीज़, और आई थिंक दे नो द पॉलिसीज़ बट डेलिबरेटली वो या कर रहे हैं सारी चीज़ें. आई डोंट नो कि बिहाइंड मोटिव क्या है इन सब चीज़ों का, बट दे आर डूइंग डेलिबरेटली. वैसे वो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, पर वो उल्टा बच्चों को बोलते हैं कि आपने नॉर्म्स नहीं पढ़े क्या. श्री डॉक्टर साहब, अगर नॉर्म्स आपने पढ़ लिए होते ना तो आप पागल ना बना रहे होते. ऐसे ही कुछ पढ़ाते होगे बच्चों को, ऐसे ही डॉक्टर बनाते होगे कॉलेज में, है ना. खैर छोड़ो, तो बच्चों को नॉर्म्स की नॉलेज है अच्छे से, हमने उसके ऊपर बहुत बार वीडियोस बनाई हैं, एक एक डिसेबिलिटी पर कई कई बार वीडियोस बनाई हैं. सबसे पहले नॉर्म्स ही समझाए जाते हैं, सबसे पहले मैं नॉर्म्स की ही बातें करता हूँ, इसके अलावा मैं दूसरी बात करता भी नहीं, ठीक है. क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि कुछ भी चीज़ कहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि इन दी एंड रूल इज़ रूल. तो रूल के अकॉर्डिंग भी बच्चे फेल कर दिए उन्होंने और बोला कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट एक पीडब्ल्यूडी बच्चा क्या कर सकता है, कोर्ट कितने बच्चे ही कोर्ट जा सकते हैं, क्या होने ही क्या वाला है इन दी एंड, ठीक. क्योंकि बड़ा सिस्टम है, बड़े लोग हैं, सो इज़ अ सिस्टमेटिक करप्शन. सो मुझे लगता है कि हम एक करेक्ट टाइम चूज़ करके, एक अच्छा सेंटर चूज़ करके, अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस साल के रिजल्ट्स को एनालाइज करके, अगर अगले साल सही सेंटर चूज़ करें, सही टाइम चूज़ करें और सही स्ट्रेटजी चूज़ करें, तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट. एंड आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल निकल जाओगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों का जो चेकिंग प्रोसेस है वो लास्ट टाइम में हो रहा है ना, उनके रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. मैंने सब बच्चों से बोला था कि ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब चेकिंग स्टार्ट हो उसके 1 या 2 दिन ही वेट करना, जाकर ऑब्जर्व करना सेंटर्स पर और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना. आप अपनी एप्लीकेशन एक सेंटर पर नहीं, कम से कम 3 से 4 सेंटर्स पर भी डाल सकते हो. जहाँ से कॉल आए, जहाँ आपको जाना है, आप वहाँ मूव कर सकते हो. खाली एक सेंटर पर एप्लीकेशन देकर उस पर डिपेंड हो जाना इज़ नॉट दी गुड थिंकिंग. तो अगले साल ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है. एक और बात, ये बात होगी उन बच्चों के लिए जो अगले साल सच में दोबारा से, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना अभी छोटा नहीं है, है ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए, अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं तो यही जानता हूँ. क्योंकि आप हमेशा रिग्रेट में जियोगे, और अगर ट्राई नहीं करोगे रिग्रेट में जियोगे, और हमेशा एक अधूरापन आपको अंदर से खाता रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा कि करना तो था वो, हो नहीं पाया, सो आई एम डूइंग दिस, बट मेरा मन वहाँ था. इस तरह की फीलिंग हमेशा चलती रहेगी, तो आप जो भी करोगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं. दूसरी चीज़, आपने अगर अब मन बना लिया, ये मन बच्चों की बात करोगे, अब आपने मन बना लिया नहीं यार, अब मेरे बस की नहीं है, मेरी डिसेबिलिटी सच में इतनी थी नहीं, तो शायद अगले साल भी मैं पास नहीं हो पाऊँगा. सो अगर इस, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कैसे बना था, कैसे नहीं बना था, अभी आप सच में रियली फाइन है या नहीं है वो आप जानते हैं. तो आपको लगता है कि यार अगले साल भी ऐसे ही कुछ होगा, मैं किसी भी सेंटर पर चला जाऊँ, सो यू नीड टू मूव ऑन नाउ. फिर आपको मूव करना चाहिए.
या तो आपने फिर भी डॉक्टर बनना है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हटाकर आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप 650 के आसपास स्कोर मारो, ठीक है, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। पर फिर भी आपको ये लगता है, या अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स हैं वो लाओ, और फिर उसके बाद आप चाहो तो डॉक्टर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बन सकते हैं अगर मेडिकल फील्ड में ही जाना है, ठीक है। नर्सिंग ट्राई कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है, और अगर मार्क्स 550 के आसपास अभी भी हैं तो वेटनरी साइंस को, BVSC को परफॉर्म मतलब ले सकते हो। जानवरों का डॉक्टर बनना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत भीड़ कम है एंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, रेडियोलॉजी कर सकते हो, या आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, वो भी डॉक्टर्स ही हैं आजकल। देर आर सो मैनी अदर वेज एंड अदर करियर ऑप्शन एज वेल, तो अगर आप उन्हें चूज़ करना चाहो तो उन्हें भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स के थ्रू भी ठीक ठाक करियर आगे बन जाता है। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे रिजेक्ट हुए हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जुड़ें, ताकि उनका ही मैं एक ग्रुप बना सकूं जो बच्चे इस साल जिन्होंने रिजेक्शन फेस किया है और अगले साल भी नीट देने वाले हैं, मतलब जिनका हौसला टूटा नहीं है, जो अभी भी पूरी ताकत से अपने डॉक्टर बनने के सपने को एक और चांस देना चाहते हैं, अपने आप को एक और चांस देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बने, और वो चाहे हम टेलीग्राम पे क्रिएट करें या व्हाट्सएप पर, जैसे भी हो, तो वो रिजेक्टेड बच्चे जो सच में अभी नीट देंगे अगली बार, तो उनका एक ग्रुप बने, ताकि स्ट्रेटेजी बने और एक ग्रुप तैयार हो, और ग्रुप में डिसेबिलिटी जो भी है उन बच्चों की वो सब डिवाइडेड हो जाएं, तो लू विज़न वाले अलग, लोको मोटर वाले अलग, उन बच्चों की एक डेटा हो और वो सब एक साथ रहें, ताकि हर एक सेंटर पर ग्रुप वाइज बच्चे जाएं और एक से ज़्यादा सेंटर्स पर एप्लीकेशंस लगाई जाएं, ग्रुप वाइज बच्चे जाएं, ताकि वहाँ पर फुल सपोर्ट रहे, ठीक है, और हम भी और एक टीम की तरह वहाँ पर जाएं और वहाँ पर होने वाले इनजस्टिस को अगली बार होने ना दें, ठीक, ताकि इस साल रिजेक्ट हुए बच्चे अगले साल ज़रूर पास हो जाएं। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम बीच में अप्लाई करेंगे, ताकि बच्चे एंड में, क्योंकि जिस तरीके से आप नीट की प्रिपरेशन करोगे ना, अब नीट में एग्जाम में नंबर लाने के लिए, उसी तरीके से आप अपनी डिसेबिलिटी में पास होने के लिए भी प्रिपरेशन करोगे अभी से, ठीक है। तो जब अभी से आपकी प्रिपरेशन चलेगी ना, माइंड मेकअप होता रहेगा, प्रिपरेशन चलती रहेगी, बहुत तरह के आइडियाज़ हैं, बहुत तरह की स्ट्रेटजीज हैं जिनको लगाकर, है ना, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए जा सकते हैं डॉक्टर से, विदाउट पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप पास हो सकते हैं अगली बार और डॉक्टर बनने का सपना आपका अधूरा नहीं। एक साल अगर डेडिकेट करते हो तो मुझे लगता नहीं बुरी बात है, और एक साल बचा भी नहीं है, अगर आप लगा हो तो नीट एग्ज़ाम में अब एक साल बचा नहीं है, कुछ महीनों की बात है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आ जाओ, अपनी इंटेंशंस लिखो, और जब बच्चे गैदर हो जाएंगे तो मैं एक ग्रुप ज़रूर क्रिएट करूँगा जिसमें उन बच्चों को साल भर या कुछ महीने जो भी हैं हम गाइड करेंगे, और अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन के लिए पहुँचेंगे इस बार, अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होके पहुँचेंगे, ताकि रिजेक्शन किसी भी तरीके से हो ही ना पाए, और एप्लीकेशंस भी कई जगह लगे, मतलब बहुत सारे गलतियां जो इस बार हुई हैं या बहुत सारी चीज़ें जो आप रख सकते हो, कर सकते हो अगले साल वेरिफिकेशन में पास होने के लिए, वो चीज़ें हम उस ग्रुप के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये मेरा सोचना है, एंड थैंक यू सो वेरी मच आपने वीडियो को अंत तक देखा। हो सकता है आप वेरिफिकेशन में पास हो गए, आप वो बच्चे हैं, तो इन बच्चों की मदद करना आपका ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप भी एक PWD कैंडिडेट हैं, ये भी एक PWD कैंडिडेट है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भूल जाएं उन लोगों को जो आपके साथ खड़े थे जब आप भी वेरिफिकेशन के लाइन में खड़े थे, ठीक है, उन्हें भूलना नहीं है और कभी भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच।